कीजिए इंडियन गर्ल्स ने हमको बेल आइकन पे क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको खस्ता नमकीन बताऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो आइए देखते हैं खस्ते नमकीन बनाने के लिए हमने किन किन इंग्रेडिएंट्स का उपयोग किया है। हमने 2 कप मैदा लिया है, अजवाइन, मंगरैल, स्वाद अनुसार नमक, 1 कप ऑयल और मात्रा अनुसार आप इसमें पानी ऐड कीजिए। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। मैदे में हम अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन और मंगरैल जो है वो ऐड करने से हमारे जो नमकीन जो है वो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है। इसकी जो सेंट होती है वो भी बहुत अच्छी आती है। स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे इसमें और ऑयल। और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे जब तक हमारे मैदे में जो है गांठ ना आने लगे। मैदे को हम जितने मैसेंगे उतना हमारी जो नमकीन बनेगी वो बहुत ही खस्ता बनेगी, इसीलिए हमें इसे कुछ ज़्यादा देर तक इसे हमें मैसना है जब तक ये डो ना बन जाए। देखिए लगभग हमारे जो मैदे है वो डो तो बनने लगी है। अब हम इसमें पानी का हल्का फुहारा देंगे क्योंकि हम इसमें पूरे पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये गीली हो जाएगी। ऐसे भी ये जो है डो बन रही है इसलिए हम इसे हल्के पानी का फुहारा देंगे। देखिए इस तरह। और इतना ही में हम अब इसे सारे को मिला लेंगे अच्छी तरह से। देखिए हमारी डो जो है वो बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इस थोड़े से अपने हाथों में ऑयल लगा के डो में अच्छी तरह से हम इसमें लगा देंगे और थोड़ी देर कपड़ों से हम इसे ढक के 5 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। कॉटन कपड़े पर हम थोड़े से उसमें पानी का फुहारा दे दिए हैं और हम इसे 5-10 मिनट तक ढक के छोड़ देंगे जिससे ये अच्छे से हमें बेलने में आसानी होगी, ये ज़्यादा सख्त नहीं होगी। देखिए 5 मिनट हो गए हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसे छोटे छोटे लोई बना लेंगे। थोड़े से पहले हम इसे मिला देंगे अच्छे से। और हम अभी इसे छोटे छोटे लोई बना के सेप दे देंगे। इन सभी को हम लोई बना लिए हैं। अब हम बेलन की सहायता से सभी को हम अच्छी तरह से
बेल देंगे और फिर हम इसे अपने आप जिस तरह की नमकीन चाहते हैं उस तरह से कटिंग कर लीजिए। हमने चकले में इसलिए तेल लगाया है क्योंकि हमारी जो ये लोहे है तो इसमें हमारे चिपके ना, वो आसानी से रोटी को जो गोल गोल ये हो जाए। इस तरह हम चाकू की सहायता से हम बर्फी स्टाइल में पहले बनाएंगे। आपको हम इसमें कई तरह की डिजाइन्स बताएंगे नमकीन्स का। तब तक हम फ्लेम ऑन करके ऑयल गरम कर लेते हैं। अब मैं आपको काजू कट नमकीन बताऊंगी। उसके लिए हमें दो रोटी का सेप बेलना है। देखिए हमने दो बना लिए हैं। अब हम इसके ऊपर से इसे चिपका देंगे अच्छी तरह से और हम अच्छी तरह से इसे बेलन की सहायता से अच्छे से इसे हम बेल देंगे ताकि ये हटे ना ऊपर का लेयर। अब मैं किसी ढक्कन छोटे से इसलिए सभी के घर में दवा का ढक्कन या किसी भी तरह के जो डब्बे होते हैं उसके छोटे से ढक्कन से आप काजू कट नमकीन आप घर पे बना सकते हैं। तो इसी वही हमने उपयोग किया है देखिए। और हम इसमें अब सेब देंगे। ऐसे तो ये काजू कट से कटर जो आती है मार्केट में उससे भी आप काट सकते हैं लेकिन हर किसी के पास ऐसा अवेलेबल नहीं रहता है। लेकिन आप घर में ऐसे उपयोग कर सकते हैं अपने घर पे ही। बिन काजू कटर से ही देखिए इस तरह आप बना सकते हैं। देखिए काजू कट नमकीन हमने रेडी कर लिया है। अब हम हमारी जो ऑयल है वो गर्म हो चुकी है। अब हम उसे सारे को फ्राई कर लेंगे। हम फर्स्ट में आप ऑयल को ज़्यादा हीट कर ले और इसमें जब हम नमकीन को इसमें ऐड करेंगे तो हमें मीडियम आंच पर इसे रखना है। ज़्यादा हाई आप रखिएगा तो नमकीन जो है वो बहुत ही जल्दी जल जाएगी। मीडियम आंच पे ये बहुत ही अच्छी से खिली खिली बनेगी। हमने ऑयल को पहले से ही हीट किया था तो कितने अच्छे ऑयल में डालने पर ही ये खिलने लगी है। देखिए हमारी नमकीन जो है ये डीप फ्राई हो चुकी है। इसमें अच्छी कलर आ चुकी है। मैं इसे ज़्यादा नहीं करूँगी ऐसे ही बहुत अच्छी लग रही है। अब इन सभी को हम निकाल लेंगे। देखिए अब मैं काजू कट नमकीन को भी अच्छे तरह से डीप फ्राई कर लूंगी। ये चिपके हुए ज्यादा है लग रही है। आप इसके लिए भगाए ना क्योंकि ऑयल के अंदर ये जाते हुए ही सब अलग हो जाती हैं।
कितने अच्छे, बस इसके जो आँच है उसे मीडियम फ्लेम पर ही रखें। देखिए हमने सारे नमकीन को जो है डीप फ्राई कर लिया है, हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और इसे ऑयल हम सूखने के लिए इसमें टिश्यू पेपर या किसी भी पेपर पे हम इसे डाल देंगे, जो इसके अंदर की जितनी भी ऑयल होगी उसमें अब्जर्व हो जाएगी। देखिए हमारी काजू कतली नमकीन जो है बनके रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची होती है, बहुत टेस्टी होती है। ये नाश्ते में आप परोस सकते हैं इसे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब जरूर दें, ताकि हम और भी नए नए वीडियो का अपटूडेट आपको देते रहे। इसी के साथ मैं फिर एक नया वीडियो लेके आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।